वेलकम बैक माई चैनल। आई एम नेहा एंड टुडे आई एम गोइंग टू लर्निंग अबाउट फॉर एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं पोस्चर के बारे में। पोस्चर क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पोस्चर के बारे में देखेंगे, पोस्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या है, पोस्चर को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारी बॉडी जो होती है कैसे पोस्चर को मेकेनिज्म क्या है, स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, तो वो सारा कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि पोस्चर होता क्या है। पोस्चर मीन्स होता है हमारी बॉडी होती है फिक्स अलाइनमेंट में रहे, एक मेंटेन रहे, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक टाइप का एक एटीट्यूड होता है जो हमारी बॉडी होती है उसे अज्यूम करते हैं। तो हमारी जो स्टेबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, हमारी मसल्स वर्क अच्छी कर रही होंगी और हमारा जो बॉडी का अलाइनमेंट होगा वो भी अच्छा होगा, तो एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंटली होगा और हम एक एटीट्यूड वाला एक एटीट्यूड अज्यूम करेंगे बॉडी के अंदर। तो ये सारा हमारे पोस्चर में आता है, एक पर्सनैलिटी भी आ जाती है। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंट को बिल्डअप करने के लिए हमारे होता है। तो पोस्चर दो टाइप से होता है, एक एक्टिवली होता है, एक नॉन एक इनएक्टिव होता है। अब एक्टिव और इनएक्टिव भी में क्या होता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं जैसे कि हमारा हो गया एक्टिव में आ जाता है हमारा इस जो डायनेमिक हो गया, डायनेमिक में वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, जो भी हम फंक्शंस करते हैं, और स्टैटिक में हो गया जो हम रेस्ट पे होते हैं, रेस्ट पोजीशन में या सिटिंग हो गई और हमारा सुपाइन पोजीशन हो गई, लाइंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया। तो ये सारा क्या है, हमारे स्टैटिक में आते हैं। तो हम ये डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लेते हैं बेसिकली मेन मेन होता क्या है। पोस्चर में होता है कि हमारे जो पोस्चर को कंट्रोल करने के लिए मसल्स होती हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स होती हैं जो हमारे पोस्चर को कंट्रोल रखती हैं, बैलेंस बना के रखती हैं, कि कोऑर्डिनेट होती है, कि पोस्चर कहीं फॉल्टी पोस्चर ना हो जाए, एक हमारा जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप करती है। सो हम देखते हैं क्या है पोस्चर। इट इज़ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी मेंटेन। ये क्या है, हमारी बॉडी का अलाइनमेंट रखते मेंटेन करके रखता है। एंड पोस्चर इज एटीट्यूड अज्यूम बाय द बॉडी। क्या है, एक एटीट्यूड होता है जो हमारी बॉडी द्वारा अज्यूम किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी मसल्स वर्किंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और हमारी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, हमारी मसल्स प्रोवाइड करेंगी। तो बहुत सारी मसल्स होती है कोऑर्डिनेट होकर हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा पोस्चर हो गया। पोस्चर में क्या होता है, हमारी सीओजी भी होती है, सेंटर ऑफ मास भी लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी होगी तो हमारा पोस्चर होगा गुड पोस्चर होगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कि इमेजिनरी पॉइंट होता है जो हमारे सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा पे होता है, जो भी हमने आपको बैलेंस से डिस्कस किया था, जिस साइड हमारा सेंटर ऑफ मास जाएगा उस साइड हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली आती है, बेस ऑफ स्टेबिलिटी होती है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा सीओजी होगा, सीओजी जितना अच्छा होगा तो हमारा पोस्चर भी उतना ही अच्छा होगा। तो ये हमारा उसमें कुछ की टर्म होती है जो बैलेंस से रिलेट करती है पोस्चर में भी। सीओजी हो गया, लाइन ऑफ ग्रेविटी हो गया, हमारा बेस ऑफ सपोर्ट हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। सो जो पोस्चर है वो क्या है, दो टाइप से होता है, एक एक्टिव होता है, एक इनएक्टिव होता है। इसमें एक आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो जो एक्टिवली होता है, एक्टिव में क्या है, ये हमारा होता है डायनेमिक होता है। एक्टिव हम एक्टिवली रहेंगे तो एक्टिव में क्या, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग होता है। एंड इनएक्टिव में क्या है, सिटिंग हो गया, लाइंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया। तो टाइप्स क्या है, दो टाइप से है, इनएक्टिव पोस्चर एंड एक्टिव पोस्चर। सो इनएक्टिव में क्या होगा, वही मिनिमल डिमांड ऑन मसल्स एसेंशियल फंक्शन लाइक सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, स्लीपिंग एंड रेस्टिंग। मीन्स इनएक्टिव कब रहता है, जब हमारी मसल्स की जो डिमांड होती है, न्यूट्रिएंट की डिमांड होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बहुत कम होगी। कब होती है, कब, जब हम स्लीप रेस्ट पे होते हैं, स्लीपिंग हो गया, सिटिंग हो गया, जिसमें हमारा सर्कुलेशन फंक्शंस तो होता है पर वो इनएक्टिवली फंक्शन होता है, हमारी मसल्स वर्क नहीं कर रही होती, मसल्स हमारी रिलैक्सेशन पे होती, बॉडी तो फंक्शन करती है, सर्कुलेट करती है, रेस्पिरेशन होता है, बट हमारी जो मसल्स हो गई वो क्या है, वो उतना जितना एसेंशियल फंक्शन जितना नीड होती है, सर्कुलेशन में जितना ऑक्सीजन की नीड होगी, रेस्पिरेशन में जितना नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, पर हमारी जो मसल्स होती है वो प्रॉपर रिलैक्सेशन पे होती है। तो हमारी इनएक्टिवली, और एक्टिव में क्या होगा, जो हमारी मसल्स होंगी उन मसल्स को मसल्स हमारी क्या एक्शन करेंगे, डायनेमिक होती है। तो यही दो टाइप से, स्टैटिक पोस्चर एंड डायनेमिक पोस्चर। स्टैटिक में क्या है, मसल्स हमारी क्या कर रही है, कॉन्टैक्ट कर रही है मसल्स। एंड डायनेमिक में क्या है, मॉडिफाइड हो रहा है मसल्स में, जिस टाइप से हम वर्क कर रहे हैं, जिस टाइप से हमारी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमारी बॉडी क्या है, मॉडिफाइड कर रही है मसल्स का वर्क, मॉडिफाइड हो रहा है।
तो हमारा एक्टिव पोस्चर हो गया है। आई होप आपको समझ आएगा टाइप्स क्या है। दो टाइप से होता है, एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी डायनेमिक फंक्शंस कर रही होती है। इनएक्टिव में क्या होती है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है जितना डिमांड होती है हमारी बॉडी को वही परफॉर्म करती है, पर हमारी जो मसल्स होती है वो रिलैक्सेशन पे होती है। अब हम देखते हैं पोस्चर मैकेनिज्म क्या है, मीन्स कैसे हमारे पोस्चर को कंट्रोल रखा जाता है। जैसे सपोज कर लेते हैं हम अभी खड़े हैं, ठीक है, तो खड़े हैं तो हमारे पोस्चर को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हमारी मसल्स कर रही होंगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो हमारी जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है वो सपोर्ट करती है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में, नहीं तो हम फॉल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मसल्स यदि सपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो हमारी जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होगी वो काम करेंगी। तो एंटी ग्रेविटी मसल्स होगी, फैन शेप्ड मसल्स हो गए, जो फैन शेप जैसे क्वाड्रिसेप्स हो गया, एंड जैसे ग्लूटल मसल्स होगी, मल्टीपिनेट मसल्स होगी, रेड फाइबर्स हो गए जैसे क्वाड्रिसेप्स, लम्बेरम, मल्टीफिडस, इरेक्टर स्पाइनी। तो ये क्या होती है, ये मसल्स कंट्रोल करती हैं हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखती हैं, फॉल से बचाती हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन रखती हैं। और क्या होता है मैकेनिज्म में, हमारा नर्वस कंट्रोल भी होता है, सेंसरी स्टिमुलस हो गए, हमारे मोटर स्टिमुलस हो गए, वेस्टिबुलर सिस्टम हो गया, सेंसरी मोटर सिस्टम हो गया, विजुअल सिस्टम हो गया। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पोस्चर को कंट्रोल करती है, जैसा कि हमने बैलेंस में पढ़ा हुआ था। तो नर्वस कंट्रोल में हमारे जो रिफ्लेक्स हैं, कॉर्टेक्स हो गया, सेरिबेलम हो गए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम विजुअली देखेंगे, उसके बाद जो पोस्चर को मेंटेन करना है हमें, जैसे देखेंगे उसी हिसाब से हमारी स्टिमुलस काम करेंगे, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, उसी उसके अकॉर्डिंग ब्रेन हमें इन्फॉर्मेशन देगा, तभी तो हमारा पोस्चर मेंटेन रहेगा। सपोज कर लेते हैं कोई हमने स्नेक देखा, स्नेक देखा तो हमारा सेंसरी तुरंत स्टिमुलस क्या तुरंत ब्रेन पे गया कि स्नेक है, आपको यहाँ से हटना है, तो वहाँ से हटेंगे तो हमारा कोई पोस्चर जो है जिस टाइप से हम खड़े थे उस टाइप से नहीं रहेंगे, थोड़ा सा पोस्चर हमारा बिगड़ेगा। कब बिगड़ेगा, हमारा मोटर रिफ्लेक्स, मतलब मोटर इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कि आपको यहाँ से हटना है। तो यही हमारा, मतलब ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, नर्वस कंट्रोल हो गया, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, सेरिबेलम है, रेड न्यूक्लियस हो गया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हो गया। वेस्टिबुलर में क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन हो गए। इफेक्टर ऑर्गन में क्या इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, हमारी मसल्स डाल दी इफेक्ट। एंड रिसेप्टर ऑर्गन क्या होगा, जैसे कि हमने रिसेप्टर जो देखा, आई हो गया, ईयर हो गया, मसल्स हो गई, ज्वाइंट हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारी रिसेप्टर ऑर्गन है, क्योंकि आई से हमने देखा तो हमारी इन्फॉर्मेशन गया, ईयर से कोई चीज़ मैंने सुनी तब गई, मसल्स पे कोई भी पिंच हुआ तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ज्वाइंट पे कुछ भी एक्सचेंजमेंट आया तो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये क्या होगा, ये हमारे रिसेप्टर ऑर्गन है। और इफेक्ट किसे पड़ेगा, ओनली हमारी मसल्स पे, क्योंकि मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा तभी तो हमारा पोस्चर बिगड़ेगा, फॉल्टी पोस्चर आएगा। जैसे कि ये पर्सन है, आई, ईयर, मसल्स, ज्वाइंट, तो ये सारा क्या है, रिफ्लेक्स में आता है, नर्वस कंट्रोल करने के लिए आता है। तो अभी हम और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में। स्टैटिक पोस्चर में हमने आपको क्या बताया था, इनएक्टिवली होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी तो फंक्शन कर रही होती है पर जितना डिमांड होती है, जितना रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग कर रही होती है, मसल्स वर्क नहीं हो रहा होता, मसल्स हमारी रिलैक्स पे होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी होगी, सेगमेंट होगी, वो मेंटेन रहती है, अपनी पोजिशन मेंटेन रखते हैं, जैसे कि पोजिशन में हो गया, सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गई, लाइंग हो गई, तो ये क्या है, स्टैटिक रेस्ट वाली पोजीशन हो गई, मीन्स एक पोजीशन लिए पर उसमें हमारी मसल ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है। इन स्टैटिक पोजीशन बॉडी एंड इट्स सेगमेंट आर अलाइन एंड मेंटेन इन सर्टेन पोजीशन, क्या है, मेंटेन करके कुछ पोजीशन सर्टेन रख रही है, सिटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, लाइंग हो गया। एंड डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में हमारी जो बॉडी होगी वो मूवमेंट कर रही होती है, फंक्शंस कर रही होती है, उस डायनेमिक जो फंक्शंस करेगी तो हमारे पोस्चर भी बार बार चेंज होंगे, पोस्चर चेंज होगा, स्टेबिलिटी चेंज होगी, जैसे कि सपोज कर लेते वॉक हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, पोस्चर चेंज होगा, पोस्चर चेंज होगा, मस्कुलर फंक्शंस भी करेंगे, मसल्स कॉन्टेक्ट भी करेगी, तो ये हमारा क्या होगा, डायनेमिक फंक्शन हो गया। इन डायनेमिक पोस्चर बॉडी एंड सेगमेंट आर मूविंग, हमारी बॉडी के सेगमेंट क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है। और क्या है, इसमें एक नोट डाउन दिया है, स्टेबिलिटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट का डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जितनी ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी अगर रखनी है तो हमें उतना ही बेस ऑफ सपोर्ट भी ज़्यादा रखना है, बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा होगा तो हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी,
इसलिए कहते हैं जब भी आप बहुत लॉन्ग टाइम से खड़े हो तो आपको बेस ऑफ सपोर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे कि जो आर्मी में होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, तो उनका क्या है, उन्हें बहुत टाइम तक एक ही पोजिशन लेनी होती है। तो वो क्या है, अपना बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज करके रखते हैं, जिससे कि बॉडी स्टेबिलिटी रहे और जल्दी से फटिग ना हो। तो यहाँ पे हमने पोस्चर को बताया। पोस्चर क्या है, दो टाइप से, स्टैटिक है एंड डायनेमिक है। स्टैटिक में क्या है, एक्टिवली है और इनएक्टिव है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नॉर्मल ये इंट्रोडक्शन था। अब हम पोस्चर कंट्रोल के बारे में देखते हैं, कैसे पोस्चर कंट्रोल होता है। पोस्चर कंट्रोल में भी क्या होगा, हमारा जो स्टैटिक पोस्चर है, डायनेमिक पोस्चर है, मूवमेंट के टाइम उनके जो सेगमेंट है उन्हें मेंटेन करके रखना है, जब भी मूवमेंट कर रहे हो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके रखना है, और जो भी मतलब ग्रेविटी लग रही, ग्रेविटी फोर्स के एंटी ग्रेविटी मसल्स का भी फंक्शंस कराना, जिससे कि पोस्चर मेंटेन बना रहे, कंट्रोल बना रहे। जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन हो गई, सेंसरी मोटर हो गए, और हमारे विजुअल सिस्टम हो गया, वेस्टिबुलर सिस्टम हो गया, सोमेटो सेंसरी सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के फंक्शंस करते हैं, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो पोस्चर कंट्रोल में क्या करना है, हमें एबिलिटी बढ़ानी है, सेगमेंट की जो स्टेबिलिटी है उसे इंक्रीज करना है, और जो हमारे अलाइनमेंट है उन्हें मेंटेन करके रखना है, कोऑर्डिनेशन को भी इंक्रीज करना है, मसल्स फंक्शंस कराने हैं, जिससे कि हमारा जो फॉल्टी पोस्चर है वो ना हो, हमारा पोस्चर है वो फिर से कंट्रोल हो जाए। पोस्चर कंट्रोल कब करेंगे, जब हमारा पोस्चर बैड पोस्चर में चेंज हो जाएगा, गुड से बैड में जाएगा, तभी तो हमें पोस्चर कंट्रोल करने की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें पोस्चर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है, हमारे इट रेफर टू पर्सन एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड बॉडी सेगमेंट। क्या करना है, पर्सन की एबिलिटी जो है पहले से जो थी उसे मेंटेन करके रखना है, स्टेबिलिटी बॉडी को प्रोवाइड करना है, हमारे बॉडी सेगमेंट को स्टेबिलिटी देनी है। स्टेबिलिटी देंगे तो हमारा पोस्चर थोड़ा सा मेंटेन होगा। एंड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम टू प्रोड्यूस एडिक्यूट मोटर आउटपुट टू मेंटेन ए कंट्रोल अपराइट पोस्चर। तो वही हो गया, जैसे कोई भी सेंसरी स्टिमुलस गया ब्रेन तक, तो हमारा सीएनएस क्या करता है, उसे रेगुलेट करता है, उसे मोटर इन्फॉर्मेशन देता है उस सिस्टम को, और जो भी आउटपुट होता है कंट्रोल कैसे करना है। ओके, तो यही हमारा जो सेंस इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक, फिर वहाँ से मोटर आया, मोटर के थ्रू कैसे उसे कंट्रोल करना है वो इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्या है, हमारा पॉइंट है, द विजुअल एंड वेस्टिबुलर एंड सोमेटो सेंसरी सिस्टम आर मेन सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व इन पोस्चरल कंट्रोल। विजुअल वेस्टिबुलर सोमेटो सेंसरी, जैसे कि अभी हमने देखा बताया था आपको, आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गई, मसल्स हो गई, तो ये सब क्या है, ये बहुत हमारे सेंसरी सिस्टम हो गए। ये क्या है, सेंसरी सिस्टम जो हमारे पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, विजुअल हो गया, वेस्टिबुलर हो गया एंड सोमेटो सेंसरी हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंगेज इन वेरियस स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्टिविटीज़। और हमें क्या करना है, स्टैटिक और डायनेमिक एक्टिविटीज़ को इंगेज करके रखना है, जिससे कि हेल्प करते हैं पोस्चर कंट्रोल में। देख रहे थे स्टैटिक पोस्चर, डायनेमिक पोस्चर में कैसे कैसे हम स्टैटिक पोस्चर को कंट्रोल करेंगे, कैसे हम डायनेमिक पोस्चर को कंट्रोल करेंगे। तो स्टैटिक में क्या है, हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट पे होती ही है, तो रेस्ट पे है तो हमें पोस्चर को जो ग्रेविटी लग रही है उसके अगेंस्ट हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स है वो काम नहीं कर रही है। वो पोस्चर, यदि एंटी ग्रेविटी मसल्स हमारी काम करेंगी तो हमें पोस्चर कंट्रोल करने की नीड ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हमें जो अगेंस्ट जो ग्रेविटी के मसल्स काम करें उन्हें मेंटेन करना है पोस्चर में, स्टैटिक पोस्चर में। एंड डायनामिक पोस्चर में क्या होगा, हमारा जो बॉडी सेगमेंट है उसे मेंटेन करना है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, और एंटी ग्रेविटी मसल्स को भी फंक्शंस कराना है। पोस्चर कंट्रोल इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट। जब भी हमारी बॉडी सेगमेंट मीन्स हमारी बॉडी जब मूवमेंट कर रही होती है, जैसे ज्वाइंट, जो भी एंकल ज्वाइंट हो गया, हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, जो बॉडी हमारी प्रॉपर तरीके से जब भी फंक्शंस कर रही हो, मूवमेंट कर रही हो, तो उस टाइम उसे मेंटेन करना है, सपोर्ट देना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे होगा, मेंटेन कंट्रोल पोस्चर डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे जो विजुअल है, वेस्टिबुलर है, सोमेटो सेंसरी सिस्टम है, इन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें जितने भी रिफ्लेक्सेस जाएंगे, स्टिमुलस जाएंगे ब्रेन तक, वही मेंटेन करेंगे ना हमारे पोस्चर कंट्रोल को, जो भी मोटर आउटपुट आएगा, जैसे कि हमारा इंटीग्रिटी ऑफ सीएनएस, सीएनएस हो गया, विजुअल सिस्टम हो गया, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम हो गया,
एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हो गया, इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर लोकेटेड इन द अराउंड द ज्वाइंट टेंडन और लिगामेंट। जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स के लिगामेंट के टेंडन के पास, तो वो इस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे ज्वाइंट की, टेंडन की, लिगामेंट की। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर स्ट्रैटेजी टू स्टेबलाइज द बॉडी सेंटर ऑफ मास। और क्या कहें, कोऑर्डिनेशन हमें जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का उसको स्टेबलाइज करके रखना है। जब वो स्टेबलाइज रहेगा तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेन एरिया उसका पॉइंट है जहाँ पे एरिया है वहाँ रहेगी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही से रहेगी तो हमारा पोस्चर भी कंट्रोल रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो हम फॉल होने के चांसेस नहीं होंगे, अपने हम नॉर्मली फंक्शंस कर सकेंगे। तो यहाँ तक हमारा पोस्चर कंट्रोल हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी पोस्चर की जो स्ट्रैटेजी है पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।